हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू टेली नगरिया। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक हज़ारों में मेरी बहना है सीरियल के बारे में। जी हाँ, जहाँ आज के समय में हर एक सुपर डुपर हिट शो के सीजन टू आ रहे हैं तो वहीं ये शो भी कहाँ पीछे रहने वाला है। ये 2011 में ऑन एयर हुआ था और इसने बहुत ही ज़्यादा TRP बटोरी थी, तो ऐसे में इस शो का भी सीजन टू आना तो बनता ही है। ऐसे में ऐसी खबर आ रही है कि इस शो का सीजन टू बहुत ही जल्दी मेकर्स लॉन्च कर सकते हैं और इसको लेकर वो बात भी कर रहे हैं। और वहीं निया शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी और क्रिस्टल डिसूजा की न्यू फोटोज डाली है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे आइडिया यही लगाया जा रहा है कि इसका मतलब सीजन टू पर काम चल रहा है। जी हाँ, एक हज़ारों में मेरी बहन है कि सुपर डुपर हिट जोड़ी, दो बहनों की सुपर डुपर हिट जोड़ी एक बार फिर से आपको छोटे पर्दे पर देखने को मिल सकती है। यानी निया शर्मा और क्रिस्टल डिसूजा फिर से एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देख सकते हैं। तो वहीं करण टेकर और कुशल रंजन को लेकर बात करें तो आपको बता दें, हो सकता है सीजन टू में भी यही दोनों इन दोनों के अपोजिट नज़र आ जाएँ। वैसे आप बताइए, मानवी और क्रिस्टल की जोड़ी किसके साथ अच्छी दिखती है? आप किससे देखना चाहते हैं सीजन टू में? क्या करण टेकर को और कुशल टंडन को आप फिर से एक बार देखना चाहते हैं, या फिर क्रिस्टल डिसूजा को अहम शर्मा के साथ और निया शर्मा को रवि दुबे के साथ देखना चाहते हैं? आप जिसे पसंद करते हैं उसका एक बार नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इन दोनों बहनों की जोड़ी काफ़ी सुपर डुपर हिट रही थी उस टाइम पर भी, और इस टाइम पर भी सुपर डुपर हिट रहेगी। इस शो के सीज़न टू को लेकर आप कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं मैं ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।